अच्छा कॉफी पिएगा? नहीं कॉफी तुम लोग पी लेना मेरी तरफ से, मैं बहुत मुश्किल से ऑफिस से निकल के आया हूँ, मैं वापस भागता हूँ। कितने का इंतजाम हुआ? सॉरी यार भाई, हम किसी काम नहीं आ सके। अब तो लगता है मुझे अपनी बाइक बेचनी पड़ेगी। ये क्या है? 25,000? अरे पिंटू, मैंने ये बाइक बहुत महंगी ली थी यार। हाँ, और उसके बाद बैंड भी बजाया ना तूने इसकी? है जब लिया था ऐसे ही दिखता था क्या? इससे ज्यादा कोई और देता तो ले ले, अपन तो इतना ही देगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Come in. श्रवण, बोलो क्या बात है? कुछ पूछना चाहते हो? क्या बात है बोलो। मैं पापा, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। पच्चीस लाख रुपए गिन सकते हो? काम शुरू किए हुए 10 दिन नहीं हुए अभी तुम्हें, बल्कि काम पर लगातार 5 दिन भी नहीं आए हो तुम। 25 रुपए तक का मुनाफा तुमने कंपनी को कमाकर नहीं दिया अब तक, और 25 लाख रुपए तुम्हें चाहिए। जान सकता हूं क्यों? पापा इन्वेस्ट करने, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा तो सोचा इन्वेस्ट कर दूं। यहां अपने ऑफिस में काम पर अपना वक्त, अपनी आदत और अपनी मेहनत इन्वेस्ट करो। फिलहाल इस इन्वेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न और कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। Understand?
शौरा, खबरदार जो घर में किसी से ये पैसे मांगे तो समझ गए। अरे सौरभ, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, बेटा ये फाइल पढ़ लेना और मंथली अकाउंट के बारे में मुझे। मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। मंथली अकाउंट्स मैंने क्लोज कर दिए हैं और इस महीने का हमारा प्रॉफिट है 25 लाख। गुड, एक काम करो बेटा, साची को फोन करके यहां बुला लो, आज उसके हाथ से यहां पूजा करवाते हैं। व्हाई नॉट, ग्रेट आइडिया, अभी करता हूं। कुछ और आइडियाज भी आ रहे हैं क्या तुम्हारे दिमाग में? काम खत्म करके यहां आए हो या कुछ बाकी रह गए? बाकी है। तो फिर क्या हुआ डैड? कुछ नहीं बेटा, दो दिन काम पर आए हुए नहीं हुए और दिमाग में इन्वेस्टमेंट के आइडियाज आने लग गए इनके। ठीक है, सालों साल के लाड़ प्यार का नतीजा है बरखुदार, वक्त तो लगेगा ही। डोंट वरी, ही विल पिक अप। एक बात कहूं बेटा, पता नहीं क्यों मुझे इस बात का भरोसा है, मेरे दिल से हमेशा एक आवाज उठती है कि देर से ही सही मगर जिस दिन ये लड़का लाइन पर आ गया ना, हमारे बिजनेस को दुगने लेवल पर ले जाएगा। मुझे भी ऐसे लगता है डैड। निधि, बेटा साची का है? उसे भी आज ऑफिस जाना है, पूजा है ना वहाँ। दादी वो तैयार हो रही है, जा रही है वो ऑफिस। अच्छा अच्छा, उसका खाना भी रख लेना, वो और श्रवण दोनों एक साथ खा लेंगे। रख दिया दादी। अरे वाह, बड़ी स्मार्ट हो गई है। अब क्या करूं दादी, आपके साथ रहकर मुझे भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा ना, लल्लू तो नहीं रह सकती ना। दादी मैं रेडी हो गई। वाह बेटा, ये लो पूजा की थाली। माँ आप नहीं चलेंगे? नहीं बेटा, जब घर की दोनों बहुएं घर का काम संभालने लगे तो हम तो आराम ही करेंगे ना। क्यों माँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बेटा, तुम दोनों के लिए खाना रख दिया है, तुम और श्रवण दोनों एक साथ बैठ के खाना खा लेना, ठीक है? जा बेटा जा। चल साची, मैं तुझे बाहर तक छोड़ा दी। बेटा संभाल के जा। हेलो विरेन। नहीं यार, ऑफिस में ही हूँ। सुन, कुछ मामला फिट हुआ क्या कहीं से कुछ? नहीं यार श्रवण, सीरियसली देख यार, प्लीज नाराज मत होना, बंटी और मैं नहीं कर पाएंगे यार। इतने पैसे उठाने के लिए औकात होनी चाहिए मेरे भाई, और वो औकात हमारी नहीं है। हाँ ठीक है यार, मैं ही कुछ करता हूँ। अब क्या करेगा? साची मैम पैसे लिए बिना मानेंगी नहीं, और तारा मैम एक हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं देंगी। मर जाऊंगा यार मैं, सर फोड़ लूंगा अपना। एक काम कर, मजार बन जा, लोग आएंगे पैसे चढ़ाकर चले जाएंगे, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में तो 25 लाख इकट्ठे हो ही जाएंगे। ये खरीदने के भी पैसे नहीं है। काम कर, काम खत्म कर, महीने के एंड में तनख्वाह मिलेगी ना उससे टॉफी खरीदना। नारायण नमो नमः।
कृष्ण प्रियाय सततम महालक्ष्मी नमो नमः। पद्म पत्रे क्षणाय च पद्मास्याय नमो नमः। पद्मासनाय पद्मिने वैष्णवे च नमो नमः। सर्वसंपत्स्वरूपिणे सर्वाराध्ये नमो नमः। हरि भक्ति प्रदात्रे च हर्षदात्रे नमो अच्छा बेटा, ये पैसे तुम अपने हाथ से घर की तिजोरी में रखना। कुछ लोग लिखवा के आते हैं। तुम्हें पैसे चाहिए थे, मुझसे पहले पापा ने पकड़ा दिए, वो भी पूरे 25 लाख, है ना? चलो, अब तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। क्या आपका मतलब है ये पैसे मैं ले लूं? और नहीं तो क्या? श्रवण जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपके कमाए हुए पैसे चाहिए। सॉरी, भूल गया। आइंदा याद रखिएगा। हेलो तारा, हाउ आर यू बेबी? क्या कह रही थी तुम? ना बेटा, मुझे नहीं, अपनी माँ को दो भाई। हम तो पैसे कमा के लाते हैं, बाकी संभाल कर यही रखती हैं। अरे ये तो चाबी भी कहाँ छुपा के रखती है, मुझे भी नहीं पता चलता। आप भी ना, मैं तो सिर्फ रखवाले करती हूँ। इस घर की लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति, ये तो हमारी बहुएं हैं। प्रताप बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। ये तो बहुत अच्छा शगुन होता है जब बहू ने अपने हाथों से तिजोरी में रुपए रखे। अब देखना, इस घर में हमेशा लक्ष्मी वास करेगी। हाँ, तू थक गई होगी ना बेटा? इसने तो खाना भी नहीं खाया होगा। अरे? क्या, मैं काका से कह के तेरे लिए खास बनवाती हूँ खाना। हाँ चल चल बेटा, चल चल मधुरा।
ये जो तुम बार बार मुझे कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देती हो, उसके क्लॉजेस की धमकी देती हो, कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी लिखा है कि तुम मेरे घर वालों से दूर रहोगी, पर तुम तो मौके ढूंढती रहती हो उनके पास आने के। ऐसे में तो तुम्हें भी हर्जाना भरना पड़ेगा ना। मैं भी तुम्हें पैसे अब काट कर दूंगा। मैं क्यों दूं पूरे पैसे? हिसाब किताब पर पहले पैसे तो कमा लो। ला 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 ला।